हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके विद अव्युक्त। और अभी हो गई है सुबह, सुबह का 9:30 बजने वाला है, मतलब 9:40 हो गया था। और अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने। आज मैं लंच जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे इशित को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी से बना लूँगी क्योंकि 11:30 का तक हमें पहुँचना है। 11:30 तक उसका बोला है डॉक्टर ने आने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो बच्चे देखने लगते हैं, फिर नहीं टाइम मिलता है, इसलिए मुझे टाइम से ही पहुँचना ही पड़ेगा। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और आगे जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ड्रेस जो मैं उस दिन लेके आई थी, शरारा। तो चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं आई थी ऊपर, फ़ोन मेरा ऊपर ही रखा था। और तो चलो चलते हैं नीचे और मैं अपना लंच भी बनाऊंगी, तो आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। और ये रहा शरारा, देखिए येलो कलर है, बट वैसा वाला येलो नहीं, अच्छा वाला येलो है। और बहुत सारे लाइट कलर्स में थे, और ये अभी छोटी है, गांव में रहती है, ये लोग गंदे बहुत करेंगे, इसलिए मैंने लाइट कलर नहीं लिया। और मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा। और ये नीचे का है शरारा, काफ़ी घेर था, अच्छा था, पैंट टाइप में था, बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। ये देखो डॉगी, डॉगी कहाँ है, ये बैठा हुआ है। कौन है, कौन है, लाओ गाड़ी चलाए, लाओ बाबू गाड़ी चलाए, गाड़ी दे हम तो थोड़ी सी किया है, तभी तो रोया है। नहीं 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 बाबू, आए आ रही हो, खेल रहे हैं छुपन छुपाई अम्मा के साथ में। चलो छिपो आके, आप छिपो, देखो अम्मा को ढूंढो, जाके ढूंढो 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 ढूंढो, अम्मा कहाँ छुपी है, ढूंढो ढूंढो भाई, ढूंढो भाई। अरे भागो भागो भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। जैसे ही इसी का सुसु हो जाती है, इनको पेन कम हो जाता है, तो ये तुरंत खेलना शुरू कर देते हैं। अभी कोई बड़ा हो तो चुपचाप लेटा ही रहे, लेकिन अभी छोटे हैं तो इनको बस खेलना है। और आज इसी इतना परेशान कर रहे हैं कि खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना है, सिर्फ दलिया बना ली है दूध वाली, और मैंने अपने लिए कटोरी में निकाल ली है, इसमें चीनी डाल दी है, इसमें चीनी नहीं है क्योंकि मम्मी लोग बिना चीनी के खाएंगी। इसी गाड़ी तोड़ दिया, चलो ऊपर चले, ऊपर चले, बाय करो अम्मा को, बाय करो, बाय करो अम्मा को, बाय बाय बाय, इसे बाय करो, बाय बाबू, इसे इसे बाय बाबू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आज मैंने बनाया है पास्ता, पास्ता और चाय, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो चलो मैं सबसे पहले करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। और आज इसी रात में बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, दर्द की वजह से जब सुसु आ रही थी तो अभी ये सो रहे हैं, और मैं इधर अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। हेलो हेलो करो इसी से, हेलो हेलो करो। और अभी इशित पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग कई दिनों से चल रहा है, मैं इशित को दिखा के जब से डॉक्टर के पास से आई हूँ, उसके बाद 3 दिन मैंने बिल्कुल भी वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि ये मुझे इतना परेशान कर रहे थे, इतना मैंने कुछ कुछ क्लिप्स कभी कभी रिकॉर्ड भी कर ली, कभी नहीं की, क्योंकि पूरे टाइम इनको रोना होता था। और तुम्हें कैमरा ऑन होता तो मैं खोपड़ी में चढ़ के बैठना है ना।
जिस दिन मैं इशित को दिखाने के लिए गई मैं 11:30 पहुंच गई थी, लेकिन उस दिन डॉक्टर पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर भी 1 बजे आए, और 1 बजे आने के बाद सबसे पहले जो बच्चे एडमिट होते हैं उनको देखते हैं। नो, इशित को पता है कि क्लचर बालों में लगाते हैं, तो ये मेरा क्लचर लेके मेरे सर पे रखता है, इसे लगेगा कि लगाया वहीं जाता है। फिर 1 बजे आने के बाद इशित को उनका असिस्टेंट जो था मेरी गोदी से ले गया, और मुझे लेके जाना पड़ता तो शायद वो इतना पहले से नहीं डरता, लेकिन वो मेरी गोदी से बोले कि मुझे दे दो और आप यहीं रहो, इसको लेके चले गए। ये उसने ज़बरदस्ती लिया और ये मुझे देख के इतना रोए, मुझे इतना अजीब सा लगे कि मेरे मतलब बाबू को लेके जा रहे हैं, और मेरे को बोला कि आप नहीं आना, आप नीचे ही रहो, लेकिन मुझे रहा ही नहीं गया, मैं इसके पीछे पीछे चली गई। जब वो चला गया उसके थोड़ी देर बाद, और इसी की रोने की आवाज़ मुझे आ रही थी, मैं ढूंढ रही थी कि थर्ड फ्लोर पे कि सेकंड पे कहाँ है, जब मुझे इसकी रोने की आवाज़ जिधर जिधर से आ रही थी मैं उधर उधर जाके ढूंढ रही। फिर मुझे उसका कमरा दिखा, लेकिन कमरा अंदर से बंद था, मैं अंदर तो नहीं जा सकती थी, बट बाहर ही खड़ी रही। उन लोगों ने मुझे देख लिया तो कर्टन वर्टन सब बंद कर दिया, और इसी इतना रो रहे थे। लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिस जगह पे मतलब छोटा सा ऑपरेट करना था, तो वहीं पे इसकी थाइज में इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन जब लगाया तब भी बहुत रोया, पूरा पसीने से पूरा नहा गया था। जब ये मुझे मतलब मैंने इसको जब गोदी लिया, 10-15 मिनट तक ये ऐसे ही रोता रहा, वो लोग अपना सब करते रहे। अब एनेस्थीसिया था तो उतना दर्द नहीं था, रो वो इसलिए रहा था क्योंकि वो उसको ज़बरदस्ती लेके गए थे और वो पहले ही डर गया था। तो उसके बाद फिर जब थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो वो उनका डॉक्टर का असिस्टेंट उसको गोदी में लिए खड़ा था, और डॉक्टर चले गए थे। तो मैंने कहा दे दो अब मुझे, तो कहे नहीं अभी 15-20 मिनट का कुछ और काम है, मतलब डॉक्टर देख ले एक बार। मैंने कहा नहीं आप पहले मुझे दो, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं इसको जाके बस ले लूं और कह दूं भी अब ना करो, इतनी मुझे दया आ रही थी इस पे, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैंने उसको ले लिया, और फिर ये मेरे से जैसे ही मिला मुझे चिपक गया एकदम। फिर इसको मैंने वहीं पे बैठ के ऐसे फोल्डिंग ऐसे बेड टाइप पड़ा हुआ था, मैं वहीं बैठ गई, इसको फीड कराया मैंने। वो थोड़ी सी क्लिप भी आपने लोगों ने देखा होगा, मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद डॉक्टर आए तो असिस्टेंट ने मेरे से बोला कि ला ये मैं दिखा दूं। मैंने इसको नहीं दिया, मैंने कहा नहीं आप ऐसे ही देख लो। ये फीड कर रहा था, डॉक्टर ऐसे ही देख लिए अपना जो भी उसको उनको देखना था, मुझे भी ओपन करके पूरा दिखाया कि देखिए पूरा ओपन हो रहा है, मैंने कहा हाँ। फिर अब उन्होंने उसको ट्यूब वगैरह दिया, लेकिन उसके बाद मैं घर आई तब ये सो गया, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया का असर था तो दर्द वगैरह हो ही नहीं रहा था, आराम से सो गया। लेकिन उसके बाद जब उठा है इसको टॉयलेट आ रही, क्योंकि उठने के बाद बच्चों को टॉयलेट आता ही है। ये एसी का रिमोट कहाँ है बेटू, ले ले एसी का रिमोट, मम्मा को बात नहीं करने देता है, गंदा है ना। अरे अरे बुआ रिमोट कहाँ चला गया, ये लो ये मम्मा की दवा ले लो आप। उसके बाद जब उठा है इसको टॉयलेट करने में 1 से 1.5 घंटे एक बूंद कर रहा है, फिर इतना रो रहा है। जब भी मैं कैमरा ओपन करती हूँ या फिर मैं किसी से बात करती हूँ, इनको गोदी में आना है, दूध पीना है, चढ़ना है, चिल्लाना है, फीड भी करना है, इसी टाइम अभी लगे पड़े हैं। तो इनका सारा काम यही होता है, इसलिए मेरा ब्लॉग कंटिन्यू हो ही नहीं पाता है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ वाला ब्लॉग ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कई दिनों से ये चल रहा है और आगे का नहीं हो पाया इनकी वजह से। अब इनकी आँखों में इन्फेक्शन हो गया, आँख में दवा डलवाने में इसी इतना रोते हैं, और बर्फ से सिकाई भी करनी होती है उसमें तो और रोते हैं। लेकिन अब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आंखें इनकी कुछ ज़्यादा ही रेड हैं। अभी ठीक है, सुबह बहुत ज़्यादा हो जाती है रेड, और डिस्चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एक आंख से ज़्यादा होता है, एक आंख से कम। तो अभी तो दवा डालना पड़ेगा, 6-7 दिन लगे हैं बोला है। तो चलो मैं इस व्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय।